हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे मटन बिरयानी विद क्विक एंड सिंपल स्टेप्स। तो आइए जल्दी से इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले बिरयानी के लिए हमें मटन को मैरिनेट करना है। मैंने ये 1 किलो मटन लिया हुआ है, इसको मैंने ऑलरेडी मैरिनेट कर लिया है। इसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ। इसमें मैंने ऐड किया है 1/2 चम्मच हल्दी, 1 से 1.5 चम्मच है लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच है ज़ीरा पाउडर और 3 चम्मच है धनिया पाउडर। और इसके अलावा मैंने इसमें ऐड किया है 2 चम्मच है बिरयानी मसाला, आप कोई भी कंपनी का मसाला यूज़ कर सकते हैं। और इसमें मैंने ऐड किया है 1 कप दही और सॉल्ट एज पर टेस्ट। ये सारे इंग्रेडिएंट्स को आपको अच्छे से मिक्स करना है और इसे मैरिनेट करके फ्रिज में रख देना है ओवरनाइट तक, क्योंकि ये मटन है। अगर आप इसे ओवरनाइट नहीं रखेंगे तो अंदर तक ये मसाला नहीं पकड़ेगा और अंदर से मटन में बिल्कुल वो फीका सा टेस्ट आएगा। तो आइए इसे फ्रिज में रख लेते हैं। मैंने मटन को ओवरनाइट मैरिनेट करके रखा हुआ था और अब मैं इसे प्रेशर कुक करूँगी। एक कुकर में मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है, इसमें मैं साबुत मसाले डाल दूँगी, 4 से 5 इलायची, हरी इलायची है ये, 1 तेज़पत्ता, 1 दालचीनी की स्टिक और 4 से 5 लौंग। इसे 1 मिनट तक सॉटे करने के बाद इसमें स्लाइस अनियन ऐड कर लेंगे। प्याज ऐड करेंगे, 1 मीडियम साइज़ का प्याज था जिसको बारीक काट के मैंने ले लिया है। प्याज का कलर जैसे ही गोल्डन होने लगे इसमें 1/2 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। इसे 1 मिनट सॉटे करने के बाद इसमें हमारा जो मैरिनेटेड मटन था वो ऐड कर लेंगे। इसे हमने 4 से 5 मिनट अच्छे से भूना है। इसमें हम अब थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, अराउंड 1 कप जितना। मटन ने अपना पानी भी छोड़ना शुरू कर दिया है और इस पॉइंट पे हम इसे इसका लिड लगाकर प्रेशर कुक कर लेंगे अराउंड 2 से 3 विसल तक, या अबाउट 80% जितना इसे कुक करेंगे। 3 विसल के बाद मैंने कुकर ओपन करके देखा है, मटन जितना हमें कच्चापन चाहिए था उतना अभी भी इसमें है। इस पॉइंट में हम इसमें टमाटर ऐड कर लेंगे बारीक कटे हुए। 2 टमाटर लिए हैं मैंने मीडियम साइज़ के। टमाटर हम पहले इसलिए नहीं ऐड करते क्योंकि जब हम मटन बॉईल करते वक्त इसे ऐड करेंगे तो जो मटन का जो कुकिंग टाइम है वो बढ़ जाता है टमाटर के खट्टेपन की वजह से। इसलिए अब मटन हाफ से ज़्यादा कुक हो चुका है, अब हमने इसमें ऐड किया। इसे ढक देंगे और टमाटर को गलने तक पकाएंगे। हमारे टमाटर भी पूरी तरह से गल चुके हैं। आखिर में हम इसमें ऐड करेंगे फ्राइड अनियंस। मैंने 3 मीडियम साइज़ के अनियन को बारीक सा स्लाइस किया था और फ्राई कर लिया है, वही इसमें ऐड करना है। ज़रा सा अनियन हम गार्निशिंग के लिए बचा लेंगे। आखिर में ऐड करेंगे हरा धनिया। फ्लेम को करेंगे लो और आखिरी 5 मिनट के लिए इसे सिमर करेंगे और इसके बाद इसे आग से उतार लेंगे। बिरयानी राइस मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, इसकी रेसिपी आपको मेरे चिकन बिरयानी या जमजम बिरयानी में मिल जाएगी। ये बिल्कुल उसी तरीके से बनाया है मैंने। इसमें मैंने 2 ग्लास चावल लिए हैं बासमती राइस। आइए इसकी लेयरिंग करना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बर्तन जिसमें आप लेयर लगा रहे हो उसमें आप थोड़ा सा ऑयल ले लीजिए, इससे जो आपके चावल है वो नीचे चिपकेंगे नहीं। इसके बाद इसमें राइस की लेयर लगाएंगे। राइस की एक लेयर लगाने के बाद इसमें हम जो हमारा मटन का ग्रेवी है उसकी लेयर लगा लेंगे। ग्रेवी बनाते वक्त आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो आपकी ग्रेवी हो वो ज़्यादा पतली ना हो, वरना आपका जो बिरयानी का लेयर है वो बहुत चिपचिपा सा हो जाएगा। अब हम इसमें फ्राइड अनियंस ऐड कर लेंगे।
थोड़ा सा हरा धनिया और दोबारा से सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे, राइस, मटन की ग्रेवी, फ्राइड अनियंस और हरा धनिया का लेयर। ये दोनों लेयर हमने लगा ली है। आखिर में इसमें फिनिशिंग के लिए ऐड करेंगे कुछ फ्राइड नट्स। मैंने कैश्यू और बादाम लिया है यहाँ पे। इसे ढककर 20 मिनट तक तवे पे रख के दम दे देंगे। स्टार्टिंग के 5 मिनट आप फ्लेम हाई रखिए, 15 मिनट आप लो रखिए, उस बीच में ये पूरी तरह से दम हो जाएगा। आइए चेक कर लेते हैं। देखिए इसमें अच्छे से स्टीम आ चुका है, ये रेडी है, इसे प्लेटिंग कर लेंगे। तो रेडी है हमारी मटन बिरयानी। बकरीद आने वाली है, मटन बिरयानी बनाइए, इसे एंजॉय करिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय।